नगर पंचायत पागबड़ा के मोहल्ला ईदगाह के वसी मैदान में मदनी कमेटी की जानिब से एक दीनी जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें नमाज की पाबंदी पर जोर दिया गया और बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने की बात कही गई। शुक्रवार की देर रात्रि पागबड़ा में आयोजित इस दीनी जलसे में मौजूद रहे उलेमाओं द्वारा जलसे को खिताब करते हुए कहा गया कि आज सबसे ज्यादा जरूरत हमें तालीम की है और इस दुनिया की तालीम के साथ साथ हमें दीनी तालीम की ओर भी आगे आना होगा। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करानी होगी, क्योंकि ये दौर विज्ञान का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और ऐसा दौर है जिसमें फितना ताकतें हमारे सर पर तलवार लिए खड़ी हैं। अगर हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना होगा, अच्छी तालीम हासिल करनी होगी और बुराइयों से बच कर रहना होगा। जलसे में मौजूद रहे उलेमाओं ने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि आज का दौर ऐसा दौर है जिसमें तालीम सबसे ज्यादा काम कर रही है और जो लोग तालीम से दूर हैं वे आज हाशिए के पार जाए जा रहे हैं। अगर हमें दुनिया में अपना वजूद बनाए रखना है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपसी भाईचारे की और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की। जो लोग कुरान के बताए रास्ते पर चलते हैं उनके साथ अल्लाह की रहमत हमेशा बनी रहती है और जो लोग गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं उनको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। आज जरूरत है हमें आपसी भाईचारे की, एक दूसरे के काम आने की और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले कल का मुस्तकबिल हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाते हैं तो हमारा आने वाला कल जरूर अच्छा होगा। पढ़ते तो होते हो, तकरीर नहीं करते हो। यार रसूलुल्लाह करना तो चाहता हूँ लेकिन ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूँ, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं है। यार रसूलुल्लाह पढ़ो तो बहुत हूँ और कितने उलूम पर यदि तूला हुजूर से पाक के पढ़ाने का ये आलम अल्लाह अकबर कबीरा कि किसी पर नज़र डाली तो वली बना दिया, किसी पर नज़र डाली तो खुतुब बना दिया, किसी पर नज़र डाली तो अब्दाल बना दिया, किसी पर नज़र डाली तो जमाने का होश बना दिया। पढ़ाने का ये हम किसी को हाफिज, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए। हुजूर से पाक पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, जिस पर नज़र डालते थे जमाने का वली बना देते थे, लेकिन तकरीर नहीं होती थी। ये फन अलग है, पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा उलूम फुनून पर महारत हासिल करना ये अलग चीज है, लेकिन माइक पर लोगों के सामने बोलना, कन्विंस करना, लोगों को समझाना, ये फन अलग है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर क्या तकरीर करना चाहोगे? अर्ज करती है नाना जान, या रसूल अल्लाह जब आप पेड़ों से बुलवा सकते हैं तो फिर मुझ पर कर्म कर दें तो क्यों? सुभान अल्लाह, बोलिए तो सुभान अल्लाह। मैं आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह चुनिंदा बातें मुझे आपके सामने रखनी है। या रसूल अल्लाह अब आप अगर बेजमान अगर पत्थर पे नजर मार दें, अबू जहल की बन मुट्ठी में कंकरी है, कब्जे में उसकी है, शिकंजे में उसकी है, लेकिन कलमा आपकी पड़ती है। या रसूल अल्लाह जब आप पत्थरों से बुलवा सकते हैं, मैं तो आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हूँ तो मुझसे क्यों नहीं बुलवा सकते? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे पाक से शाद फरमाया अपना मुंह खोलो, जैसे ही मुंह खोला लुआबे मुस्तफ़ा, थूके मुस्तफ़ा, ये थूक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बात करते हो मियां तुम किस तरह शब्बीर की, ला नहीं सकता कोई नन्ने असगर का जवाब, ला नहीं सकता कोई नन्ने असगर का जवाब। सिफ़ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है? सिफ़ते रसूल की तरह तौकीर कहाँ है? हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है? और मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए, पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है? पानी तलाश करता है शब्बीर।